नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप छज्जे पे टायर्स लगाते हो तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है, किस प्रोसेस से आपको करना है, क्या दिमाग लगाना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप सही प्रोसेस से काम करेंगे तभी आपका काम सही प्रोसेस हो पाएगा, समझिए कि नहीं। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये छज्जा है, ठीक है, इसमें टाइल्स लगाना। रूम वगैरह से अगर हो गया, जैसा कि मैं आपको वीडियो भी अपलोड करके दिखा दिया हूँ कि किस प्रोसेस से रूम में आपको टाइल्स लगाना है। और आज मैं आपको छज्जे के बारे में बता रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये छज्जा है, ठीक है, यहाँ से लेकर भर वहाँ तक, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये ऑलरेडी यहाँ से वहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट लगेगा, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक लगेगा। और इसमें आपको कैसे लगाना है, क्या दिमाग से करना है काम, उस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे आपको टाइल्स को फिटिंग करना है, क्योंकि छोटा जगह है, छोटे जगहों में किस प्रोसेस से काम करना चाहिए, वो नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और किन चीज़ को ध्यान में रखना है वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा 100% ये काम आने वाला है और आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा जितेंद्र भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसी कॉन्टेंट ये जितेंद्र भाई आप लोग प्रत्येक दिन लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे भाई, जब भी आप छज्जे पे टाइल्स लगाते हो तो ध्यान रखना होगा आपको जो है, अगर आप नाला किया हुआ है तो वहाँ पे आपको अच्छे ढंग से घोला मार लेना। जैसे कि देख पा रहे हैं ऑलरेडी हम हर जगह घोला मारे हुए हैं और मसाला ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है। आप रूम में प्लस्तर करके टाइल्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा किस प्रोसेस से आपको करना है। सबसे पहले आपको देख लेना लेवलिंग करके, ठीक है, लेवलिंग कर लेना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप छज्जे पे टाइल्स लगाते हो तो आपको जो है पहले रूम का पूरा लेवलिंग ले लेना, और रूम से आपको छज्जे को डाउन करके लगाना, ठीक है, रूम को छज्जे से डाउन करके लगाना, लेवल उसी अनुसार से उठाना है कि छज्जा डाउन हो जाए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हम देखिए यहाँ पे लगाने वाले हैं, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पे लेवलिंग भी किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले सूता बांधना है, आप पानी का पॉइंट जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और पानी का ढलान तो आपको स्पेशल देना पड़ेगा, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको किस प्रोसेस से करना है आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो है सूता बांधना है, ठीक है, धागा बांधना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हम यहाँ पे ठिया लगा लिए, ठीक है, इस प्रोसेस ठिया लगा लिए। यहाँ पे जो है हम एक इस पे ठिया लगाए हैं, ठीक है, नीचे जो मसाला लिए हैं यहाँ पे जो है 1.25 इंच का मसाला है, और यहाँ से एक इस पे ठिया लगाए हैं। उसके बाद जस्ट अपोजिट देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.25 पे लगाए हैं, ठीक है, ये 1.25 पे है और ये जो है 1.25 पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको धागा बांध लेना, जैसे कि देख पा रहे होंगे इस प्रोसेस है, ठीक है, ये धागा आपको लेना है, एक टाइल्स का टुकड़ा ले लेना, उसके ऊपर से आपको धागा क्रॉस करना है, ठीक है, इस प्रोसेस से यहाँ पे रख देना, और एक ईंटा से आपको चाप देना है इसको, ठीक है, दबाव देना है इस प्रोसेस से। अब क्या होगा कि ये नीचे का जो है ना, नीचे वाला जो है ये टाइल्स का फिनिशिंग रहेगा, ऊपर का टुकड़ा से आप देखना है, ठीक है, ऊपर के टुकड़ा से आपको टाइल्स को देखना है। अब देखिए इस प्रोसेस से हम धागा ये बांध लिए हैं, अब हम जो है कि यहाँ से लगाने के लिए काम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे आपका ढलान रहता है ना, वहीं से आपको टाइल्स लगाने के लिए शुरू करना। अगर उल्टे साइड से करोगे तो आपको ढाल में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जहाँ से पानी का पॉइंट रहता है वहीं से आपको लगाने के लिए शुरू करना, ठीक है। अब देखिए हम वहाँ से काम को शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, आपको पहले एक टाइल यहाँ पे बिछा लेना, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 2 फीट का जगह एक ही टाइल यहाँ पे लगी रहा, तो हमेशा ध्यान रखना है एक साइड से दीवार को आपको सीधा करना, ठीक है, एक साइड में आपको धागा पकड़ना है और किनारे से आपको इतना गैपिंग पे उधर आगे आपको टाइल्स को रख देना है, और उसके बाद आपको इस प्रोसेस से धागा जो है मिला लेना, ठीक है, ये किनारे इस प्रोसेस में मिला लेना, ये दीवार आपका सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, स्पीड लेवल रखना, ठीक है, स्पीड लेवल रखना, इसको चेक कर लेना कि ढाल में बना हुआ है या नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से इस प्रोसेस चेक कर लेना। अब आपको करना क्या है, यहाँ से फिर एक टाइल को और आपको बिछाना, ठीक है, इसके आगे एक टाइल और बिछाना है, पहले आपको एक टाइल बिछाना है यहाँ पे, अब देखिए मेरे भाई एक टाइल यहाँ पे बिछा लेना। बिछाने के बाद आपको जो है ना पहले इसको सूता देख लेना धागा, ठीक है, इस प्रोसेस से। अब देखिए धागा इस प्रोसेस से पकड़ना, जो आप ठिया बांधे हुए हैं ना, धागा ऊपर बांधे हुए हैं, उस धागा को आपको सामने लेना है, आपको एक टुकड़ा इधर रखना है, ठीक है, और एक टुकड़ा आपको आगे इस प्रोसेस से टच करना है, ठीक है, यहाँ पर टच कर लेना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सटा हुआ क्रॉस होना चाहिए, ये जो धागा आप लगा यहाँ पर टच करोगे ये बिल्कुल सटा हुआ क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको ढाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइल्स आपको हाफ डाउन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये चीज़ ध्यान रखते हो तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम इसको पहले इस प्रोसेस से एडजस्ट कर लिए, ये सही हो। अब देखिए आगे वाला पीस भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई लगा सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा जो है ठिया लेबलिंग किया हुआ है, जैसे 21 पे, तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं ये पीस को, ठीक है,
तो हम इस पीस को लगा के आपको दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है। जो आप देखिए मेरे भाई, जब भी यहाँ पे आप टाइल्स लगाने के लिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस प्रोसेस से यहाँ पे धागा आपको देख लेना, ठीक है, इस प्रोसेस से देख लेना। देखने के बाद आपको क्या करना है, इसको उठाना है, ठीक है, इस प्रोसेस से इसे उठा लेना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ खाली है ना आपको दोबारा मसाला डाल देना है, ठीक है, इस प्रोसेस से डालना है। अब आपको क्या करना है, इसमें घोला देना, ठीक है, इस प्रोसेस से खांचा लगा लेना है इसमें। इसमें अगर कच्चा मसाला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे भी खांचा लगाओगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्लास्टर पर भले दिक्कत हो जाता है लेकिन इस पर आप जैसे तैसे खांचा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है, इस प्रोसेस से लगा लेना है। अब इस पर आपको टाइल्स को रखना है, ठीक है, देखिए इस प्रोसेस से रख लेना। उसके बाद आराम से इसको ठोकना है, देखिए इस प्रोसेस से रखना है। फिर आपको धागा लेना है, इस प्रोसेस से टाइट करना है, हमेशा ध्यान रखना धागा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रोसेस से पूरा एकदम इस प्रोसेस से आपको इस ढंग से जो है ना इसको धागा चेक करना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो है 1-1 mm आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल धारा में धागा में जो है ना क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, क्रॉस करना चाहिए, ये नहीं कि आप ज़्यादा गैपिंग हो जाना चाहिए, ज़्यादा गैपिंग भी होगा तो दिक्कत करेगा, बिल्कुल सटा धागा में आपको जो है सटा हुआ क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस से। और इसी प्रोसेस से मेरे भाई आपको जो है 1-1 piece करके लगाते हुए जाना है, समझ रहे कि नहीं, यानी कि छोटे जगहों में इससे ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ नहीं होता। आप फंटी प्लस्तर करोगे तो यहाँ पे चलने वाला है नहीं, यहाँ पे जो है आपको जो है धागे पे ही काम करना होगा, ठीक है। तो छोटे जगहों में इसी ढंग से आपको 1-1 piece करते हुए लगाते हुए चले जाना है, आपका काम भी जल्दी होगा और काम में फिनिशिंग भी होगा। ये वीडियो, ये जानकारी आप लोग कैसे लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।